गीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह रिपोर्ट। आजमगढ़ हुनर रंग महोत्सव के तीसरे दिन कार्यक्रम की शुभारंभ पूर्व मंत्री राम आश्रय विश्वकर्मा व एसडीएम निजामाबाद द्वारा बकायदे दीप प्रज्वलन कर किया गया। कार्यक्रम के बाद जब एक के बाद एक प्रस्तुतियां शुरू हुई तो दर्शक भी मंत्रमुग्ध से हो गए। इस दौरान कार्यक्रम स्थल पर हुनर संस्थान के सचिव सुनील दत्त विश्वकर्मा ने बताया कि काफ़ी रात तक यह कार्यक्रम इस समय चल रहा है और इसके अलावा उनका यह प्रयास है कि अच्छे से अच्छी टीमें ज़्यादा से ज़्यादा परफॉर्मेंस कर सकें। वहीं पूर्व मंत्री राम आश्रय विश्वकर्मा ने इस कार्यक्रम के लिए बकायदे बधाई दी। आजमगढ़ में हुनर संस्थान द्वारा जो लगातार महोत्सव प्रतिवर्ष किया जाता है, यह महोत्सव सबसे अच्छा, प्रभावशाली और समाज और जनपद और पूर्वांचल को संदेश देने वाला होता है। और इस महोत्सव के माध्यम से जहां हम सामाजिक एकता बनाते हैं, जहां पर आजमगढ़ और पूर्वांचल के लोगों में लोक गीतों, लोक कथाओं और लोक नृत्यों के माध्यम से उनमें राष्ट्रीय भावना को जागृत करते हैं और सभी को अपने कर्तव्यों के प्रति काम करने के लिए सजग करते हैं। निश्चय रूप से सुनील दत्त विश्वकर्मा ने हुनर संस्थान के माध्यम से आजमगढ़ के छोटे छोटे बच्चों को प्रतिभाओं को तराशने का काम किया है और जो सुविधा बम्बई जैसे बॉलीवुड नगरी में नहीं मिलती है, वो सुविधाएं और वो शिक्षा यहाँ दे करके सुनील दत्त विश्वकर्मा ने बहुत उत्कृष्ट कार्य किया है। हम उन्हें बधाई देते हैं, उनके संस्थान को बधाई देते हैं और हमारा पूरा सहयोग है और हम चाहते हैं कि उनका संस्थान इसी तरह से लगातार बच्चों को प्रतिभाओं को निखारने का काम करे और तमाम लोक कलाओं के और लोक नृत्य से लेकर के संस्थान के तमाम शिक्षा के माध्यम से आजमगढ़ के बच्चों को आगे बढ़ाने का काम करें।